नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत, और आज की ये जो वीडियो है, वैसे ये गाड़ी में 3-in-1 प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जब देखा, वैसे कस्टमर का जो कंसर्न था, स्पेशली कस्टमर जिस लिए आए, कस्टमर का कंसर्न था कि रिमोट मेरा काम नहीं कर रहा है, तो सेंटर लॉकिंग जो है इस गाड़ी में रिमोट दबाने से सेंटर लॉक हो जाएगा, ये सेंटर लॉक काम नहीं कर रहा है मैंने देखा, और इसीलिए कस्टमर आया है। बट जब मैंने गाड़ी को डायग्नोस किया तो एक के साथ मुझे और भी कुछ प्रॉब्लम मिला है, इसीलिए मैं वीडियो का नाम भी टाइटल भी दिया 3-in-1 प्रॉब्लम। सेंटर लॉक काम नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ जो डिक्की है, नॉर्मली डिक्की स्विच है, इसमें इधर लेके आओ, यहाँ पे ये जो डिक्की स्विच है, यहाँ पे ये जो डिक्की स्विच है, इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये डिक्की अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्विच दिया हुआ है, और इसमें अलग से डिक्की के लिए कुछ पुलिंग टाइप का जो एक लीवर रहता है, वो लीवर नहीं है, तो ये स्विच से काम नहीं कर रहा है, सेंटर लॉकिंग से रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया कि मेरा डिग्गी भी नहीं खुल रहा है। अब इसके साथ और भी एक चीज़ है जो कस्टमर ने शायद ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उतना ज़्यादा ये लोगों को काम में आता नहीं है, वो क्या, गाड़ी का रूफ फ्लैम जो है वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं गाड़ी को, ये जो रूफ फ्लैम है, ये स्विच भी काम नहीं कर रहा है। तो जो लोग इस फील्ड में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है और ये सब छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, तो उनको शायद पता ही होगा कि नॉर्मली किसी एक के साथ साथ में, जैसे कि मैंने दिखाया कि तीनों प्रॉब्लम गाड़ी में है, और इसके रीज़न ज़्यादातर केस में, अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम पर्टिकुलर एक नहीं है, एक के साथ और भी 2-3 पॉइंट लिंक किया हुआ है, तो उस केस में ज़्यादातर या तो जॉइंट कनेक्टर का प्रॉब्लम होगा या फ्यूज़ का प्रॉब्लम होगा, जो ऐसा कंपोनेंट जहाँ से लाइन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसीलिए मैंने इस गाड़ी का बाकी कुछ चेक नहीं किया, सबसे पहले क्या किया कि इस गाड़ी का जो रूफ फ्लैम का फ्यूज़ है, वो फ्यूज़ चेक किया, और ये फ्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, अगर कभी भी आपके पास इस तरह का, मतलब आपका अगर खुद का गाड़ी है और आप देखें कि मेरा सेंटर लॉक काम नहीं कर रहा है, डिक्की वाला जो स्विच है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर तक भी जाने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिंपली चेक करना है रूफ फ्लैम काम कर रहा कि नहीं, अगर यूज़ में आता है तो अच्छा है, अगर नहीं भी आता है तो एक बार ऑन करके देख लीजिए रूफ फ्लैम काम कर रहा कि नहीं। तो मैंने देखा कि इसमें रूफ फ्लैम काम नहीं कर रहा है, बट ये कस्टमर ने नोटिस नहीं किया। अब इसकी जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए रूफ फ्लैम लिखा हुआ है, एक्चुअली लिखा नहीं है, सिर्फ साइन दिया हुआ है आधा सूरज का, तो इसके साथ 10 एम्पियर वाला जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ हमको चेक करना है, और इस फ्यूज़ की जो लोकेशन है, ये फ्यूज़ बॉक्स है, तो इस फ्यूज़ बॉक्स में देखिए ये रूफ लैंप एंड ऑडियो दोनों एक साथ है, तो इसको मैं आराम से बस रिमूव कर लेता हूँ, ये मेरा बाहर आ गया। अब इसमें ये जो फ्यूज़ है, पकड़ो, तो ये शायद आपको अच्छा से दिखे, इसकी जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ मेरा कट है, ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, इसका कंटिन्यूटी चेक करने से आपको पता चल जाएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी ये जो फ्यूज़ है, इसका कंटिन्यूटी वैसा देखिए, मतलब कैमरा से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, नॉर्मली इस तरह से भी ये चेक हो जाता है, बट ये प्रोसेस नहीं है। अगर प्रोसेस में आपको चेक करना है तो मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर में ये जो मोड है, ये रैचेट को घुमा के यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड में लाना है, ठीक है, ये जो कंटिन्यूटी मोड दिख रहा है, और इसकी पोजीशन देख लीजिए, इस पोजीशन है, एक प्रो हमको इसमें डालना है और दूसरा जो प्रो है इसमें देना है। अब देखिए इसमें कुछ कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, अब एक अच्छा फ्यूज़ का अगर हम दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, नॉर्मली ये कुछ कंटिन्यूटी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो मैं एक नया अच्छा फ्यूज़ दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी फ्यूज़ एक अच्छा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चेक करना है पता चलने के लिए वो, और नया जो फ्यूज़ है, स्पेयर फ्यूज़ हर एक गाड़ी में होता है, वैसे इस गाड़ी में जो यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स है या फ्यूज़ कवर है, ये कवर खोलने से ये बहुत ही ईजिली खुल जाएगा, इसको बस दबाना है, ये दबाने से ये रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे देखिए आप 7.5 से लेके 30 एम्पियर तक का जो फ्यूज़ है, ये पूरा एक एक करके स्पेयर दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं, ये फ्यूज़ पुलर है, इससे मैं एक 10 एम्पियर का जो फ्यूज़ है इसको खोल लिया। अब इसको हम दिखाएंगे कि जो कंटिन्यूटी चेक कर रहा था, जैसे फ्यूज़ चेक कर रहे थे, ये मेरे हाथ में खराब फ्यूज़ है, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ साइड में, और अभी इसमें मल्टीमीटर मेरा सेम पोजीशन में ही है, एक साउंड भी हो रहा है, थोड़ा नज़दीक लेके जाऊँ, आई होप कि आपको ये साउंड मिले,
ओके तो अभी मैं इसको फिर रख दिया और मेरा जो पहले फ्यूज़ लगा हुआ था इसमें देखिए कुछ भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, शायद लाइट में आपको थोड़ा दिख जाए कि फ्यूज़ कटा भी है, ये सही से दिख नहीं रहा है। तो ये फ्यूज़ मेरा ख़राब है, अब करना क्या है, ये जो फ्यूज़ है इसको हम रूफ फ्लेम की उस पोजीशन में फिट कर देंगे। ये बहुत आसान है, इसमें ये बैठ गया है, ठीक है। इधर 20 एम्पियर ये ऑडियो वाला है और ये रूफ फ्लेम है, तो इसको इजीली अभी हम जो पोजीशन में था वापस उसी पोजीशन में यहाँ पे इसको फिट कर देंगे। ओके तो ये मेरा अभी फिटिंग हो गया है कंप्लीट। और इस कंडीशन में देखिए ऑलरेडी रूफ फ्लेम जो है ये ऑन मोड में था तो ये जलना चालू हो गया, इसको मैं फिलहाल अच्छा ऑन कंडीशन में ही रखते हैं। तो रूफ फ्लेम तो मेरा अभी जल रहा है और इस कंडीशन में डोर को बस अनलॉक कंडीशन में क्लोज करके रखा, जो रिमोट पहले काम नहीं कर रहा था अब देखिए काम कर रहा है, ताकि इंडिकेटर दिखे वो थोड़ा सा ऐसे दिखाऊँ। अभी देखिए मैं अनलॉक कर रहा हूँ, डबल इंडिकेटर ब्लिंक किया, अब जैसे ही मैं इसको लॉक कर रहा हूँ लॉक हो गया, और पहले डिक्की भी काम नहीं कर रहा था मेरा, तो अभी डिक्की भी एक बार चेक कर लेंगे। अभी देखिए गाड़ी क्योंकि लॉक है इस कंडीशन में डिक्की काम नहीं करेगा, लॉक ये मैंने अनलॉक कर दिया। ओके अगर लॉक कर दिया तो काम नहीं करेगा, बट अगर आपके पास स्मार्ट की है, अगर आपका जो चाबी है वो स्मार्ट की है और स्मार्ट की आपके पास है, उस कंडीशन में अगर आप इसको प्रेस करेंगे लॉक कंडीशन में भी ओपन हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कई कस्टमर आ जाता है इसको लेके भी कि मेरा गाड़ी लॉक है बट डिक्की खुल रहा है, तो स्मार्ट की नज़दीक रहने से 3 मीटर के आसपास रहने से आपका डिक्की ओपन होता है। अब इसके साथ और एक चीज़ बहुत ही छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका गाड़ी बहुत दिन से पड़ा हुआ है कि गाड़ी चल नहीं रहा है, उस कंडीशन में आपका ये जो रूफ लैम्प का फ्यूज़ कट हुआ है ना, ये कट ना होने के मतलब कट नहीं हुआ फिर भी ये जैसा प्रॉब्लम मैंने दिखाया, रूफ लैम्प काम नहीं करेगा, सेंटर लॉक काम नहीं करेगा, ये अगर होता है तो एटलीस्ट उस टाइम में आपको जो फ्यूज़ है उसको खोल के एक बार फिर से आप फिटिंग कर दीजिए। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये कभी मैंने कई गाड़ी में फेस किया है कि गाड़ी कुछ दिन पड़ा हुआ था 6 महीना 7 महीना से, तो ऑटोमेटिक मेरा ये सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रहा है, और कस्टमर आता है कि मैंने इसका बैटरी चेंज कर दिया फिर भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो था वो रूफ फ्लेम का फ्यूज़ एक बार मैंने खोल के लगाया उसमें कुछ भी कॉन्टेमिनेशन होने की वजह से मे भी होता है सल्फा या मॉइस्चर। तो दोस्तों बस इस वीडियो में तो इतना ही, एक छोटा सा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, अगर गाड़ी में छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम होता है और उसके एक के साथ साथ आप देखते हैं कि कई प्रॉब्लम का लिंक है, मतलब कई और भी प्रॉब्लम है, तो इन दैट टाइम आप खुद ब खुद एक बार कम से कम गाड़ी की जो फ्यूज़ है उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि फ्यूज़ ख़राब होने की वजह से भी होता है, वो ब्लोन होने की वजह से भी होता है। अगर फ्यूज़ लगाने के बाद तुरंत मेरा फ्यूज़ कट हो जाता तब मसला दूसरा था, तब कहीं पे शॉर्ट सर्किट है तब मुझे चेक करना पड़ेगा, बट एक आध फ्यूज़ अगर कभी कटता है तो दैट इज़ नॉर्मल। बस थैंक यू।